हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बर्गर की रेसिपी, वो भी मंचूरियन सॉस के साथ। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है फ्रेंड्स, और जल्दी से बनकर तैयार भी हो जाती है। बच्चों को ये बेहद पसंद आती है। तो चलिए फिर वीडियो को देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे पत्ता गोभी लिया है, इसे मैंने ग्रेट कर लिया है। नमक डालकर इसे मैंने 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख दिया था, ताकि जितना भी इससे मॉइस्चर है वो अच्छे से हमारा रिलीज हो जाए। तो इसे इस तरह से हाथों से प्रेस करते हुए इसका सारा मॉइस्चर हमें निकाल लेना है। और इस पानी को आप फेंके नहीं, इसे आप रोटी का डो लगाएंगे उसमें यूज कर सकते हैं, या फिर सब्जी की ग्रेवी बनाने में इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए, अब मैं एक बाउल में इसे इस तरह से मैश करके ले रही हूँ। और फिर मैं डाल दे रही हूँ ग्रेट किया हुआ फूलगोभी, साथ में मैं डाल दे रही हूँ ग्रेट किया हुआ गाजर, थोड़ा सा मैं यहाँ पे डाल रही हूँ प्याज जिसे मैंने बारीक काटा है, फिर डाल रही हूँ थोड़ा सा शिमला मिर्च, हरी मिर्च डालेंगे, मैंने एक हरी मिर्च डाला है, और साथ में डालेंगे ग्रेट किया हुआ उबला हुआ आलू। तो मैंने यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ का आलू डाला है। नमक डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग, काली मिर्च का पाउडर डालेंगे, लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे, साथ में डालेंगे चाट मसाला, और इन सब सारी चीज़ों को हम मिक्स करेंगे। तो यहाँ पे ये बाउल हमारा छोटा हो जा रहा है, तो मैंने यहाँ पे बाउल को थोड़ा सा चेंज कर लिया है। फिर मैंने डाला है 1 चम्मच कॉर्नफ्लावर, और 1 चम्मच मैं यहाँ पे डाल रही हूँ मैदा। और सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करते हुए इसे हमें डो के फॉर्म में बना लेना है। तो देखिए, ये डो हमारा बन गया है। हाथों को मैं यहाँ पे थोड़ा सा क्लीन करूँगी, उसके बाद इसकी मैं टिक्कियाँ बनाऊँगी। तो थोड़ा सा मैंने हाथों में ऑयल लगाया है, और इस तरह से आप यहाँ पे अपने मनपसंद साइज से इसे टिक्की का शेप दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे बर्गर से जितना हमारा बर्गर का साइज है उससे थोड़ा सा मैं यहाँ पे इस टिक्की को छोटा रख रही हूँ, बिल्कुल इस तरीके से, इतना थिकनेस में। तो चलिए, इसी तरीके से हम सारे अपनी टिक्कियाँ बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो लीजिए, यहाँ पे हमारी सारी टिक्कियाँ बनकर तैयार भी हो गई है। तो चलिए, अब हम इसे फ्राई कर लेते हैं। तो मैंने फ्राई करने के लिए गैस पर पैन रखा है, उसमें मैं डालूंगी ऑयल। तो मैंने यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं डाला है, बस टिक्कियाँ हमारी एक साइड से अच्छे से डूब जाए उतना ही मैंने यहाँ पे ऑयल डाला है। आप इसे चाहो तो पूरा ही डीप फ्राई कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे टिक्कियाँ डाल दिया है एक तरफ से, अच्छे से सुनहरा होने के बाद हम इसे अच्छे से पलट देंगे, और इसे हमें दोनों ही तरफ से अच्छे से सुनहरा कर लेना है। तो चलिए, मैं यहाँ पे इसे पलट दे रही हूँ, और ये देखिए दोनों ही तरफ से अच्छे से सुनहरा हो गया है। तो मैं इसे इस तरह से निकाल ले रही हूँ एक प्लेट में, और ये टिक्कियाँ बहुत ही करारी बनकर तैयार हुई थी। तो चलिए, अब हम बना लेते हैं सॉस। तो मैंने फिर से गैस पर पैन रखा है, और फिर मैं यहाँ पे डाल दे रही हूँ 1 चम्मच ऑयल, फिर डाला है मैंने अदरक और लहसुन ग्रेट करके, थोड़ा सा इसे हम पका लेंगे। और अब मैं यहाँ पे डाल दे रही हूँ कश्मीरी रेड चिल्ली पाउडर, मिक्स करेंगे। और ये मिर्ची हमारी जले नहीं, इसके लिए मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 1-2 चम्मच के करीब पानी, मिक्स करेंगे। उसके बाद मैं यहाँ पे डाल दे रही हूँ 2 चम्मच के करीब सोया सॉस, इसे भी मिक्स करेंगे। और अब डालेंगे यहाँ पे 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर को मैंने पानी में घोल कर फिर मैं यहाँ पे डाल रही हूँ। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे, तो नमक ध्यान से डालें क्योंकि सोया सॉस में भी नमक होता है। फिर मैं डाल दे रही हूँ यहाँ पे 1 चम्मच टमाटो केचप, अगर आपके पास टमाटो केचप नहीं है तो आप यहाँ पे 1 चम्मच चीनी भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा मैंने ग्रीन अनियन डाला है, और इसे अब हम पका लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा सॉस रेडी हो गया है, सॉस को मैंने 1-2 मिनट पकाया था। तो अब यहाँ पे हम जो बन है बर्गर बन उसे हम सेक लेते हैं। तो मैंने थोड़ा सा ऑयल रखा था पैन में, और दोनों ही तरफ से हम इसे थोड़ा थोड़ा सेक लेते हैं अच्छे से। तो चलिए, मैंने इसे पलट दिया है, और दोनों ही तरफ से हम इसे सेक लेंगे। तो लीजिए, ये हमारे बन सेक गए हैं। तो अब मैं इसे निकाल ले रही हूँ प्लेट में, और चलिए चलते हैं फाइनल प्रोसेस की तरफ। तो मैंने एक बन में इस तरह से ये टिक्की रख दिया है, ऊपर से डालेंगे जो हमने बर्गर सॉस बनाया था वो। मैं यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा मात्रा में डाल रही हूँ, और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा धनिया के पत्ते, और जो ऊपर वाला बन है उसमें मैं डाल दे रही हूँ 1 चम्मच मेयोनीज। और अब यहाँ पे रखेंगे एक ऑनियन का स्लाइस, और ऊपर से हम इसे कवर कर देंगे। तो लीजिए, ये हमारा वेज बर्गर मंचूरियन सॉस के साथ बनकर तैयार हो गया है, और ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगी थी फ्रेंड्स। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद है आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा मेरी ऐसी वीडियो देखने के लिए। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय एंड टेक केयर।